Now, first question. Find the value of first part. 2, 6. 2 to the power 6. So you have to find the value of 2 to the power 6. What is the mean of this? 2 multiplied 6 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the power 6 का मतलब है कि 2 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 2 to the 4. Here 2 to the 4. Here also 2 to the 4. 4, 4, 16. These 2 4, you'll get 16 into 4. So 16 into 4, you'll get 64. Okay. So similarly, 9, second part, 9 cube. 9 cube means you have to multiply 9 into 9 into 9. 9 cube. 9, you have to multiply 3 times. 9 into 9 into 9. You'll get 9, 9, 81. And again multiply with 81 into 9. 729. So this is a simple multiplication. जितना power है उतने times आपको multiply करना है same number. First part 11a² means 11 into 11. Fourth part 5 to the power 4 means 5 into 5 into 5 into 5. You'll get 625. 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 पार्ट में. सो आई थिंक यू कैन डू इट. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपका मल्टीप्लीकेशन गिवन है, दिस पार्ट गिवन, ए आपका गिवन है सेकेंड क्वेश्चन में. एंड इसको आपको पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म. So one first you select one digit same number. So base आपका क्या होगा? 2. Suppose a 2 आपने ले लिया. After that counted the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So power of 2 is 6. क्या होगा? Because same number repeat हो रहा है 6 times. So first part of question number 2. फर्स्ट में पावर गिवन है और 5 वैल्यू आपको वैल्यू फाइंड करना था. इन सेकंड क्वेश्चन गिवन द मल्टीप्लीकेशन गिवन है, इतने टाइम रिपीट हो रहा है, उसका पावर आपको लिखना है. तो 6 into 6 into 6 into 6. तो 6 to the power 1, 2, 3, 4. 4 times. सेकेंड पार्ट 3 into 3. तो 2 times रिपीटेड हियर सेम नंबर. तो 3 to the power 2. सिमिलरली b into b into b into b. तो b का पावर कितना होगा? 4. तो सेकेंड नंबर आल्सो. और चैप्टर इज वेरी इजी. Now coming to question number 3. सेकेंड नंबर. सारे पार्ट को आपको ऐसे ही करने हैं. आई एम सॉल्विंग अ वन मोर. फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन 5 to 5. 5 into 6.
5 into 7 into 7. 5 into 5 means 5 to the power 2, 5 square into 7, 8 square. Okay, this is ma'am, 7 times 3 times. Then. Yes, 7 times. Okay. जाएगा फोर टाइम्स है तो फोर आ जाएगा इज़न्ट इट. फिफ्थ इज टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए मीन्स टू टू द पावर टू एंड मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर. वन मोर टू इंटू टू इंटू ए इंटू ए मीन्स टू टू द पावर टू इंटू ए टू द पावर टू बिकॉज वन वन टू तो टू का पावर टू होगा और ए का पावर भी टू होगा. नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर थ्री. तो थ्री एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नेचर. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन द नंबर आपको इसको एक्सपोनेंशियल नेचर में कन्वर्ट करना है. सो यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टर से ब्रेक करना है. After that, power write करना. So first 512. Now you have to find the factorization. So this number is divisible by 2 because even numbers. So 2 2 is 4, 2 5 is 10, 2 6 is 12. 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 8 is 16. 2 6 is 12, 2 4 is 8. 2 3 is 6, 2 2 is 4. 2 1 is 2, 2 6 is 12. 2 8 is 16. 2 4 is 8. 2 1 is 2. So how many times 2 repeated here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you have to write ma'am, it down. Yes. Ma'am, yes? LCM form mein karna hai. LCM ma'am, form isko LCM form mein karna hai. Haan, abhi aap LCM yes, form mein karo. Uske baad root nikalna. Main bataungi kaise isko root find out karna ho. Theek hai? Yes, ma'am. अभी आप एलसीएम yes, में फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एक दूसरा मेथड भी बता दूंगी. बट अभी आप लोगों का यही बेस है. तो फर्स्ट यू डू लाइक द फैक्टर फाइंड आउट करना है और फैक्टर में कैसे अरेंज करना है. देखियो मैं ये बता देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. प्लीज म्यूट कर लो. आप लोगों का जो है पेरेंट टॉक कर रहे हैं. तो म्यूट योर स्पीकर. किसी के घर में बेबी की आवाज आ रही है, किसी के पेरेंट्स की आवाज आ रही है. प्लीज म्यूट. नाउ हियर अब इसमें आपको करना क्या है. 9 टाइम्स. सो 2 टू द पावर 9 फर्स्ट बेस आपका एंड टाइम कम टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स पावर 9 हो गया. This value equal to 512. इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल होगा. Isn't it? Now second part. Three forty-three. Second number. Again, you have to find the LCM or prime factorization. अब three factors से भी prime factorization और like this. So this number is divisible by 7.
24 माइनस 28 विल गेट 6 एंड 7 9 60 63 7 7 49 7 1 7 343 equal 7 say 7 to the power 3 equal to 4 sorry 350 7 to the power 3 you can say even q jab power 3 aa jata hai to aap isko q bhi bol sakte ho aur jab power 2 aata hai to usko hum log a square bolte hain 7 a square and 3 aata to power q ho gaya वो आया फोर सेवन टू द पावर फाइव इज इट इट बट टू एंड थ्री आर टू सिमिलरली फोर्थ पार्ट आपको एलसीएम निकाल करके उसका पावर फाइंड आउट करने हैं सो यू कैन डू इट यस मैम यस मैम आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है सपोज टू नंबर अगर आ रहा है उतने आपको टू में मल्टीप्लाई कर देने हैं एज इट इज अगर सेम नंबर नहीं आ रहा है सपोज टू थ्री इंटू टू इंटू फोर दैट इज You have to write like this. Isn't it? Now coming in question number 4. Question number 4, identify the greater number they were possible in each of the following. So given the two numbers, first question, first part, 4 to the power 3, 3 to the power 4. Later, which number is greater? आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे 4 to the power 3, 4 into 4 into 4. So 4 for 16 into 64 मैम 64 3 टू द पावर 4 तो 3 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 3 339 यू गेट 81 द पावर 3 3/4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 सो दिस वन इज ग्रेटर You have to write 3 to the power 4 is greater. Okay? Greater number. Isn't it? Similarly, you have to find next number 5 to the power 3 or 3 to the power 5. Which one is greater? Yes, ma'am. Which one is greater? Calculate fast. And मैम 3 का पावर 4 मैम 3 टू द पावर 5 4 3 का पावर 4 नंबर सेकंड नंबर गिवन 5 टू द पावर 5 का पावर जो है वो 3 है एंड 3 का पावर 4 है सो व्हिच वन इज ग्रेटर 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 5 मैम 3 टू द पावर 5 3 to the power 5 is 5 is greater. Yes ma'am. But you find the solution. Yes ma'am. So, आप simplify करोगे. Which one is greater like this? आप इसको multiply करोगे. After that, find the value. Then compare yes, which one is greater. Isn't it? Okay. Yes ma'am. Okay ma'am. So third, fourth,
You can do it. Five. Now coming on five number question. Express each of the following as product of power of their prime factor. तो इसका भी आपको प्राइम फैक्टर से फाइंड करना है, एक्सप्रेस करना है, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो यू कैन डू इट. यस मैम. यस मैम. हो जाएगा फाइव नंबर. यस मैम. यस मैम. प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके आंसर. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने आपको जो डिफरेंट वाला बताया था. तो सी वन क्वेश्चन आई एम डूइंग. इसमें दो दो नंबर आएंगे. हाउ कैन राइट इट. क्वेश्चन नंबर फाइव. नाउ फाइंड आउट एडॉन्ट ऑफ टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्सटीन, टू वन जा two. Now, 3, 2, just 6 and 3, 7, the 21. 3, 9, the 57, 3, 3, 9. 3, 1, the 3. So, 2, you got it. How many times? 2 into 2 into 2 into 2. 1, 3. 2, 3 times. 3 times. Okay, now 3, 1, 2, 3, 4. 3 times. 3 times, 4 times. 3 into 3 into 3 into 3. So power you get 2 to the power 1, 2, 3. Into 3. Who talk, beta? Who talk? Please mute here and speak up. So this is our first part of question number 5. Remaining parts you will do it. Now coming on question number 6. Simply six number question given, simplify. First part. This is your answer. Similarly, remaining part 7 to the power 2 means 7a square into 2a square. 7a square means 7 into 7 into 2 into 2. 7, 49. Into 4. First you multiply these two numbers after that. Seven, 49, 2 into 2, 4. Now you have to multiply. You get 196. Similarly, you can do it. इसी तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करके. फिफ्थ नंबर गिवन 0 इंटू 10 ए स्क्वायर. 10 ए स्क्वायर. 0 इंटू 10 ए स्क्वायर. एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 0 यू विल गेट प्रोडक्ट 0 मीन्स रिजल्ट विल बी 0. किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा. Coming on question number 7, also given, simplify. -4 q means -4
the power 3. So you have to multiply minus 4 into minus 4 into minus 4. So minus minus plus ho gaya aapka. No need to write plus. आपको इसको लिखना जरूरी नहीं है. तो 4 4 16, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज नंबर इन टू माइनस 4. तो प्लस माइनस माइनस 16 4 64, तो माइनस 64 योर आंसर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट, माइनस 3 इंटू minus 3 into minus to the power 3. Minus 3 into minus 2 into minus 2. Minus 2 to the power 3. You have to multiply minus 2. Yes, 3. Minus 2 into minus 2 into minus 2. माइनस, तो 4 2 8, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा. आफ्टर दैट यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आफ्टर दैट 4 2 8 माइनस 8, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा. ये मल्टीप्लाई 24. Okay, remaining part आप लोग कर सकते हो ना, you can do it. Yes ma'am. Yes ma'am. Now yes ma'am. Yes number ma'am. Coming on last question. Compare the following numbers. So without solving, how can you compare? Possible or not? बिना सॉल्यूशन के कंपेयर कैसे करना है? बिना सॉल्व किए 2.7 × 10 = 12. अनदर पार्ट गिव इज 1.5 × 10 to the power 8. ओके, तो जो पावर का पार्ट है 10 to the power 12 and 10 to the power 8. सो इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 12, सो दिस इज अ ग्रेटर नंबर. इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? ग्रेटर नंबर आएगा 10 to the power 8. आप इसको मल्टीप्लाई कर 10 to the power 12 and 10 to the power 8. So this one is better. 10 to the power 12. क्योंकि 10 का मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है 12 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 10 का मल्टीप्लीकेशन 8 टाइम्स हो रहा है. तो 10 टाइम्स का मतलब है और 8 तो दिस वन इज द ग्रेटर. नाउ अब इसका जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली दिस पार्ट इज द ग्रेटर नंबर. इधर का जो पार्ट है क्योंकि इसका पावर बड़ा है, एंड कंपेयर टू पावर दिस नंबर इज अ ग्रेटर नंबर. 10 to the power 12 द ग्रेटर देन 1.5 × 10 to the power 8. Isn't it? Yes ma'am. Similarly second part, 4 × 10 to the power 14 and 3 × 10 to the power 17. 4 × 10 to the power 14 and 3 × 10 to the. इसको अभी माइंड से हटा के ओनली कंपेयर इस पावर वाला पार्ट है 10 to the power 14 and 10 to the power. Which one is greater? Ma'am, 3 into 10, 10 to the power 17. Ma'am, 10 power 2.
डेट पार्ट इज अ ग्रेटर, क्योंकि जिसका पावर बड़ा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो डेफिनेटली उसके टेंथ में आपका ग्रेटर हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is your solution of exercise 13.1. Anybody have any doubt, any query? No, ma'am. किसी को कोई problem, कोई कोई question समझ में नहीं आया हो ऐसा? Because you have time. मैम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, मैम जो फोर्थ नंबर है तो मैम उसमें पावर मैम 2 की पावर 100 टाइम्स है. हाँ, 2 टू द पावर 100 टाइम्स. ओके, सो व्हाट विल डू 2 का पावर 100 टाइम्स फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तो क्या करोगे, हाउ कैन कंपेयर इट? इसको भी आपको ऐसे ही कंपेयर करना है जो हमने बताया है अभी, जस्ट पावर. क्वेश्चन नंबर फोर. यस मैम.